तीसरी ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन दुर्ग में हुआ। इस प्रतियोगिता में लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। देश के सभी प्रांत से पहुंचे बच्चे अपना जौहर यहां दिखा रहे हैं। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता 2 मई से 4 मई तक आयोजित की जाएगी। ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का भव्य 3 दिवसीय शुभारम्भ दुर्ग में हुआ। ये आयोजन 2 मई से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा। सर्वप्रथम आयोजन के मुख्य अतिथि एवं आयोजकों की टीम द्वारा दीप प्रज्वलित कर उसके बाद विधि विधान से अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के सभी प्रांतों से लगभग 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और यहां उपस्थित होकर अपना खेल का जौहर दिखा रहे हैं। इस खेल को किसी भी पटल पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, बावजूद इसके इस खेल में प्रतिभागी बने बच्चे ये बता रहे हैं कि खेल कितना लोकप्रिय हो चला है। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और कहते भी नजर आ रहे हैं कि इस खेल को खेलना काफी रोमांचक है। आयोजकों ने आयोजन की जानकारी भी उपलब्ध कराई। वहीं आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले समाज सेवी नेत्र राम अग्रवाल ने भी इस आयोजन की सराहना दिल से की। आज ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये जो ऑर्गेनाइज किया है, ये वाकई बहुत बड़ा कदम है और हमारी जो पुरानी परंपरा थी लाठी चलाने की, वो निसंदेह इसको पुनर्जागरण है, पुनर्जन्म है एक तरह से मानिए। ये लाठी स्पोर्ट अच्छी चीज़ है जिसमें बच्चों को आजकल लाठी चलाना बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है और इसके लिए कमेटी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रयास किया है वो प्रशंसनीय है और मैं चाहता हूँ कि लाठी स्पोर्ट्स हर आदमी को सीखना चाहिए, हर बच्चों को सीखना चाहिए। बिना पैसे ही करा पाता है, बिना तलवार के आदमी जीत सकता है और बिना बंदूक के आदमी दूसरे को हरा सकता है। लाठी में ऐसी करामत है जो कि इसके बराबरी में न कोई तलवार है न कोई बंदूक है। एक लाठी 50 के सैकड़ों आदमी को हरा सकती है, इसलिए लाठी स्पोर्ट्स का बहुत बहुत अच्छा है। इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सफल होंगे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद सर। भारत की परंपरा रही है लाठी, क्या लगता है इसको नेशनल गेम ओलंपिक वगैरह में शामिल करना चाहिए? देखिए, भारत की जो परंपरा है जो कि कई वर्षों से विलुप्त हो गई थी, आज हमारा केंद्रीय शासन और इस पर से कहा जाए तो मोदी सरकार पुरानी परंपराओं को वापस ला रही है। इसमें एक परंपरा लाठी स्पोर्ट भी है, निस्संदेह लाठी स्पोर्ट का भविष्य बहुत अच्छा है। ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, सरकारों को इसमें सहयोग करना चाहिए और योगदान देना चाहिए, इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा नाम है संदीप ताम्रका, लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ का जनरल सेक्रेटरी और लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। जैसे सर कि पहले देखा जाए तो लाठी आज की नहीं, बहुत पारंपरिक गेम है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। बेसिकली क्या है, ये चीज़ें हम लोग करते थे, उसके बाद मुझे लगा कि ये चीज़ें शायद विलुप्त हो चुकी हैं, तो हमारे फेडरेशन के माध्यम से, हमारी कमेटी मेंबर के माध्यम से आज हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आज हम बच्चे को आज लाठी के माध्यम से जो पुरानी जो खेल थे, आज कहीं ना कहीं आज हम उनको आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जाकि है कि बच्चे यहाँ पर राज्य स्तरीय से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाकर अपना खेल और प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। ये लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो है, तीसरी लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप यहाँ दुर्ग छत्तीसगढ़ में हम लोग ने आयोजित किया है। इसमें 10 राज्यों से बच्चे आए हुए हैं, पार्टिसिपेट किया हुआ है इन्होंने। मुख्यतः इसमें साउथ से पुडुचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, नॉर्थ से दिल्ली, वेस्ट से अपना महाराष्ट्र है, MP, UP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों से यहाँ बच्चे आए हुए हैं। बच्चों का भविष्य ऐसा है कि ये एक नया खेल है, पारंपरिक खेल है, जिसको हम लोग एक प्रोफेशनल वे दे रहे हैं। जैसे ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा तो बच्चों को आगे चल के हमारी कोशिश ये रहेगी कि राजकीय इसको मान्यता प्राप्त हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरियों में भी यहाँ से खेले हुए, इस खेल को खेले हुए बच्चे आगे अपने सरकारी नौकरी में मौका मिले। और अभी रिसेंटली जैसे गतका को भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, तो उसी तरह हमारी भी कोशिश यही है कि जल्दी ही लाठी को भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, जिससे बच्चों का भविष्य संवर सके। चलिए, खेल मंत्रालय के पास हमने कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए हैं, बट क्योंकि अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म होगी, नई सरकार का गठन होगा, तो हमारी पूरी तैयारी है कि हम फिर से नई सरकार के साथ खेल मंत्रालय में अपनी सारे कागजों को जमा करके इसको जल्द से जल्द मान्यता प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे करीब 250 से 300 बच्चे 10 राज्यों से मिला के आए हुए हैं। रहने का गायत्री पैलेस में नेत्राम जी ने हम लोग को ये व्यवस्था दी है। गायत्री पैलेस में सारे बच्चे रुके हुए हैं, 50 से 60 ऑफिशियल्स, रेफरीज, जजेस वगैरह भी विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, तो कुल मिला के यहाँ 350 से 400 लोगों का एक
एकोमोडेशन जो है गायत्री पैलेस में ये लोग सब रुके हुए हैं और सब यहीं पे व्यवस्था की गई। अच्छा लग रहा है, मैं एक साल से गेम खेल रहा हूँ और हाँ गोल्ड मेडल मिला है मेरे को, एक बार भोपाल में गोल्ड मेडल मिला है और एक बार पांडेचेरी में गोल्ड मेडल। मैं 2-3 घंटे सिंह है और मैं यहाँ लाठी अपना 3 साल से ये गेम खेल रहा हूँ। इस गेम में हम लोगों को लाठी डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है और फाइट करनी होती है। डेमोन्स्ट्रेशन के आपको मतलब पॉइंट्स के हिसाब से आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है। आपका ओपोनेंट जितनी टेक्निक्स करेगा आपको उससे ज़्यादा करनी होती है तभी आप जीत सकते हैं। और लाठी फाइट में होता है कि आप जितने पॉइंट खुद से लेंगे उतने आप हाँ। गेम खेल के मुझे बहुत वैसा अच्छा बहुत लग रहा है क्योंकि हम लोग पहले हम लोग ने गतका भी सीखा है तो उसका एक्सपीरियंस हमारे काम आ रहा है बहुत। एक साल से खेल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले कहाँ गए थे चैंपियनशिप में, कहीं गए थे आप? पांडिचेरी। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे मेरे को एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। तो वहाँ पे किसको हराया था आपने, अपने जो सामने के लोगों को? तो कैसा लगा मतलब गोल्ड मेडल जब मिला उस समय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आपको कौन प्रैक्टिस करवाता है? हमारे कोच हैं संदीप तामरेकर सर और हमारी प्रैक्टिस लेते हैं विनय राघव। कितने घंटे खेलते हैं दिन में? 2 घंटे। हाल फिलहाल में पंजाब के पारंपरिक गेम गतका को भी राष्ट्रीय खेलों में मान्यता दे दी गई है और आने वाले समय में भारतीय गतका का संगठन द्वारा इस खेल को ओलंपिक में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से लाठी स्पोर्ट्स को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मान्यता प्राप्त करवाने के लिए लाठी खेल के प्रेमियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। देखना होगा ये प्रयास कब तक सफल हो पाता है और हमारे देश का पारंपरिक खेल लाठी खेल कब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी छवि बिखेर पाता है। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।